జమ్మూ కాశ్మీర్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఒంటరిగానే పోటీ చేస్తామని ప్రకటించారు పీడీపీ చీఫ్ మహబూబా ముఫ్తీ. ఆ పార్టీకి చెందిన మానిఫెస్టోను ఆమె రిలీజ్ చేశారు. 200 యూనిట్ల ఫ్రీ విద్యుత్, నీటి పన్ను రద్దు, పేదలకు ఏడాదికి 12 సిలిండర్లు, వృద్ధాప్య పెన్షన్ పెంపు, సామాజిక భద్రత రెట్టింపు వంటి కీలక హామీలను ఇచ్చారు. తాము మళ్లీ అధికారంలోకి వస్తే మహబూబా సయీద్ అమలు చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆర్టికల్ 370 తర్వాత జమ్మూలో అభివృద్ధి జరుగుతుందని, అందరికీ అభివృద్ధి ఫలాలు అందుతున్నాయన్నారు. జమ్మూ కాశ్మీర్ ను కాంగ్రెస్ మళ్లీ వెనక్కి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తుందన్నారు. उसके बाद पटू ग्राउंड की भी शुरुआत मुफ्ती साहब ने की थी और मुझे उम्मीद है कि जैसे खुद होम मिनिस्टर ने कहा इसको हम खाली करेंगे. वह हम डिज्नी एडवेंचर पार्क बनाना चाहते हैं जिसकी शुरुआत मुफ्ती साहब के वक्त में हुई थी. फ्री लीगल एड जो हमारे जेलों में हमारे लोग बंद हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनको फ्री लीगल एड मिले ताकि जल्द अज जल्द वो अपने घरों में वापस पहुंचे. अंडर ट्रायल्स या उनकी बिचारों की वो अदालत में कार्रवाई भी नहीं होती है. दरबार मूव को हम रिस्टोर करना चाहते हैं और पासपोर्ट में जो लोगों को दिक्कत है उसको ईज करना चाहते हैं. और जो स्टूडेंट्स बाहर से मेडिकल कॉलेज से आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी कहां कहां से, उनकी डिग्रीज रिकग्नाइज नहीं हो रही है, हम उसके लिए भी जदोजहद करेंगे. और एकेडमिक सेशन जो मार्च में होता है उसको हम ऑरिजिनल टाइमिंग पे ले जाएंगे. और टेंपल्स और मस्जिदें और गुरुद्वारों को हम फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना चाहते हैं. पंजाबी को ऑफिशियल लैंग्वेज में इंक्लूड करना चाहते हैं. और ट्रांसजेंडर्स जो होते हैं उनके बारे में खुसूसी हम अपना एक पैकेज लाना चाहते हैं ताकि उनको पूरे हकूक मिले, हेल्थ केयर मिले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको भी वो भी इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमने इन लोगों को बहुत नजदीक से देखा है. इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हालात से गुजरती है. और प्रेस क्लब जिसका जिसके ऊपर इस वक्त पूरा कब्जा करके रखा है, हमारी कोशिश होगी कि उसे उन चंगल से उसको छुड़ा के आप लोगों के हाथों में उसको दिया जाए.